ये तस्वीरें गहरी मोहब्बत की निशानी है। ये तस्वीरें इश्क की ताकत की कहानी है। दुनिया की रस्मों की दीवारों को तोड़कर रिश्ते में बंधने की तस्वीरें हैं ये। जन्मों के नाते में बंधने की तस्वीरें हैं ये। अपनों को छोड़कर किसी के हो जाने की हैं ये तस्वीरें। ये तस्वीरें इश्क की कहानियां तो कई कहती हैं, लेकिन जब दुनिया की नजरों में ये तस्वीरें आई तो साथ में सामने आया वो सच भी जिसने इन तस्वीरों के मायने ही बदल दिए। ये तस्वीरें फरेब जलन के बाद सामने आए उस खूनी अंजाम की बुनियाद से जुड़ी हैं, जिसमें पनपा इश्क इंतकाम तक पहुंच गया। मजिस्ट्रेट के कत्ल की इनसाइड स्टोरी। और तफ्तीश की इस कड़ी में बात उस खूनी साजिश की जिसने रविवार की सुबह कानपुर को दहशत से भर दिया था। यहां महिला मजिस्ट्रेट प्रतिभा गौतम की हत्या की गुत्थी को सुलझा लेने का दावा करने वाली कानपुर पुलिस ने इसे परफेक्ट मर्डर बताते हुए प्रतिभा के पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पति मनु ने प्रतिभा के गर्भ में पल रहे बच्चे को गिराने का दबाव बनाया था और जब वो कामयाब नहीं हो पाया तो उसने प्रतिभा का मर्डर कर दिया। इस वारदात ने फरेब जलन और इंतकाम को उजागर कर दिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जिस मजिस्ट्रेट के मर्डर ने दहशत फैला दी थी, पुलिस की जांच में उसका खौफनाक सच सामने आया है। इश्क, फरेब, लालच और जलन इस कत्ल की वजह सामने आए और गिरफ्त में वो कातिल पति भी आया जो इंसान से बन बैठा हैवान। कानपुर देहात जिले की जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रतिभा गौतम का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका पति मनु अभिषेक निकला। वही मनु जिससे उसने 8 महीने पहले 29 जनवरी 2016 को लव मैरिज की थी, लेकिन मनु धोखेबाज निकला। उसने न केवल प्रतिभा का विश्वास तोड़ा बल्कि उसका भी गला घोट कर कत्ल कर दिया। रविवार को कानपुर नगर जिले के सर्किट हाउस ऑफिसर्स कॉलोनी में बने सरकारी आवास में प्रतिभा का शव बेहद संदिग्ध हालात में पाया गया। मनु ने थाना छावनी में खुद इसकी सूचना दी कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने उसी को मुजरिम पाया और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जान बचाने के लिए संघर्ष में प्रतिभा के शरीर पर 16 जगह चोटों के निशान पाए गए। उसके दोनों हाथों की नसों को भी काटा गया और जब वो नहीं मरी तो उसका गला घोट कर मनु ने उसकी हत्या कर दी और खुदकुशी का रूप देने के लिए उसके शव को फंदे से लटका दिया। इसके अंदर महिला का पति ने सबसे पहले सुसाइड की सूचना दी, जो स्थानीय थाने को जो सूचना दी गई। जब मौके पर स्थानीय पुलिस और फील्ड यूनिट की टीम्स पहुंची, तो उन्हें इस चीज़ का डाउट हुआ कि ये आत्महत्या नहीं है, ये संभवतः हत्या के इसमें सिम्टम्स नज़र आ रहे थे। जो चीज़ें वहाँ पर साक्ष्य इकट्ठे किए गए, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी के साथ पैनल से कराया गया, इससे इस चीज़ की पुष्टि हुई कि महिला की गला दबा के हत्या की गई है। इसके अंदर अभी तक जो साक्ष्य इकट्ठे हुए हैं उस हिसाब से महिला का जो पति है और महिला में विगत कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था, जो व्हाट्सएप के ऊपर हम लोगों ने अभी कन्वर्जेशन अभी तक निकाले हैं, जो चैट्स निकाली हैं, उस हिसाब से काफ़ी झगड़ा दोनों के बीच में रहा था। और जो पति था उसने यहाँ तक धमकी दी थी कि मैं तुम्हें देख लूँगा और ये भी बोला था कि ख़त्म कर दूँगा। इस मामले में सबसे खौफनाक सच ये भी सामने आया है कि आरोपी मनु ने एक नहीं बल्कि 2 कत्ल किए हैं। जिस वक्त प्रतिभा का कत्ल किया गया उसकी कोख में हत्यारे मनु का ही 4 महीने का गर्भ था। खुलासा हुआ है कि वो इस बच्चे के खिलाफ था और वो इसे गिराना चाहता था, लेकिन प्रतिभा इसके लिए राजी नहीं थी। इस बात को लेकर भी दोनों के बीच व्हाट्सएप पर गाली गलौज भी हुई थी। पुलिस के मुताबिक प्रतिभा को शादी के बाद अपने पति मनु की रंगीन मिजाजी का पता चला।
एक अक्टूबर को मनु अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने हिल स्टेशन गया, लेकिन वहां से आई कुछ खबरों ने प्रतिभा को परेशान कर दिया। प्रतिभा मनु से मिलने शनिवार को दिल्ली गई। मनु ने उसे स्टेशन पर रिसीव तो किया, लेकिन रास्ते में दोनों के बीच झगड़ा होने पर प्रतिभा कार से उतरकर स्टेशन आई और वापस कानपुर लौट गई। अभी तक जितनी साक्ष्य हैं उस हिसाब से महिला की गला दबा के हत्या इसके द्वारा की गई और उसके बाद उसको सुसाइड का रूप देने के लिए वहाँ पर रख दिया गया और ये बताया कि दरवाज़ा अंदर से बंद था। जो डिटेल्स हम लोग की निकली उस हिसाब से ये सुबह ही वहाँ पर पहुँच गया था और उसके बाद जैसा मैंने बताया हम लोगों ने जो चीज़ें कन्वर्जेशंस डिटेल्स डेवलप करी हैं और इसके अंदर जो अब पति है उसको जेल भेजा जा रहा है और फर्दर डिटेल्स उससे इंटरोगेट की जा रही हैं और उनको रिमांड पर लेके और पूछताछ की जाएगी। ये चीज़ भी मैसेज के अंदर आई है, इस चीज़ को लेकर भी विवाद था और जो व्हाट्सएप के मैसेज हम लोगों ने चेक किए उसमें ये चीज़ निकली है कि वो बच्चे को अबॉर्ट कराने को लेके इसके अंदर इशू था और जिसके लिए महिला बिल्कुल तैयार नहीं। कुछ घंटे बाद मनु भी कार से कानपुर के लिए निकल पड़ा और रविवार सुबह जब वो पहुंचा तो दोनों में फिर विवाद हुआ और इसके बाद मनु ने पत्नी प्रतिभा को डंडे से जमकर पीटा और फिर ब्लेड से उसकी दोनों कलाइयों पर कई वार किए। प्रतिभा की जान नहीं निकली तो दुपट्टे से उसका गला घोट दिया और शव को फंदे से लटका दिया। जो सरकमस्टेंशियल एविडेंस और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से इन्होंने नस काटने का प्रयास किया होगा और उसके बाद जब महिला की मृत्यु नहीं हुई है तो उसको वहाँ पे दुपट्टे से गला दबाया, गला दबाने के बाद गला दबा के जो हत्या हुई है उसको सुसाइड का रूप देने के लिए ये बताया स्थानीय पुलिस को कि ये पंखे से लटकी हुई थी। जो मृतका के परिवार वाले हैं वो कल भी ये चीज़ को कह रहे थे कि ये लड़का इनको अपने घर वालों से बात नहीं करने देता था, दोनों के बीच के अंदर इस चीज़ को लेकर कशीदगी थी और साथ ही साथ ये जो अबॉर्शन वाली बात है ये व्हाट्सएप के मैसेज से निकल गया। उधर पोस्टमार्टम के बाद मजिस्ट्रेट प्रतिभा का शव उनके घर उरई के राजेंद्र नगर पहुंचा तो मातम ने पूरे माहौल को घेर लिया। प्रतिभा के पिता ने इसे हाई प्रोफाइल मर्डर बताते हुए पति अभिषेक पर मर्डर का आरोप लगाया है। सबसे पहले हमें वहाँ जुडिशरी ऑफिसर ने किसी ने बोला कि आपकी बेटी क्या प्रतिभा गौतम आपकी बेटी है, मैंने कहा हाँ सर, कि उसकी डेथ हो गई है। तो फिर मैंने कहा कैसे कि अब वो आप आ जाइए, अब वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और जो भी बात समझ में आएगी वो है, लेकिन हो गई। अभी आपको क्या लगता है पूरे मामले को लेकर, क्या लगता है? नहीं वो तो अब क्लियर है कि वो मर्डर है जी, हाई प्रोफाइल मर्डर। वो तो रिपोर्ट भी आ गई। वही बहन नीलम गौतम का कहना है कि प्रतिभा के ससुराल वाले उसे परेशान करते थे, ना किसी से मिलने देते थे और ना ही किसी से बात तक करने देते थे। कि वो फोन भी नहीं करती थी और प्रेशर में क्या डालते थे, पेरेंट्स से माफी मांगे तो तुम बात कर सकती हो। अच्छा। ना अब हमारी इसमें क्या गलती थी कि जो हमारे पापा मम्मी से बात उसके पेरेंट्स से माफी मांगते, उसने पूरा घर उसने पूरे घर ने मिलके मेरी बहन को मार डाला है। रो के कहा था कि ये लोग मुझे प्रेशराइज करते, बात नहीं करने देते कि अगर तुम लोग माफी मांगोगे तो ये लोग मुझे बात करने देंगे तुमसे, क्या यहाँ आने देंगे। एक बार भी 60 किलोमीटर थी लेकिन एक बार भी यहाँ नहीं आने दिया उसको, ना आई हो। हैरानी की बात यह है कि आरोपी मनु के पिता सुरेश चंद्र राजन सीबीआई और एनजीटी समेत कई न्यायालय में जज रह चुके हैं। अभिषेक का बहनोई ललित कुमार 30,000 कोर्ट में जज है, बहन तनु दिल्ली में वकील है। इसके अलावा इनके 7 रिश्तेदार जुडिशरी में है और वो खुद वकालत की प्रैक्टिस कर रहा था। पढ़े लिखे समाज से भी जिस तरह से खौफनाक जुर्म सामने आ रहे हैं उससे साफ है कि अभिमान और जलन किसी को भी जला सकती है। कानपुर से आर्यन अग्रवाल के साथ क्राइम डेस्क, इंडिया 24/7। और इस मर्डर के बाद सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि आखिर कैसे एक हाई सिक्योरिटी वाले इलाके में एक मजिस्ट्रेट का उसी के सरकारी आवास में कत्ल हो जाता है और किसी को इसकी कानो कान खबर तक नहीं होती। क्या है यहां सुरक्षा का सच, देखिए तफ्तीश के इस अगले रिपोर्ट में। ऑफिसर्स कॉलोनी के इस आइसोलेटेड कल्चर का फायदा जज के हत्यारे पति को बखूबी मिला। उससे पहले इस बात का अंदाजा था कि वो घर में कुछ भी करे बगल वाले को कानो कान खबर तक नहीं होगी। इसका फायदा उठाकर उसने प्रतिभा को पहले पीटा, फिर उसके हाथ की नसें काटी,
और फिर उसका गला घोटा और पंखे से लटकाने की कोशिश की, लेकिन लाश उसके ऊपर गिर गई, जिसके बाद उसने प्रतिभा के शव को नीचे उतारने की बात पुलिस को बताई। जब मौके पर स्थानीय पुलिस और फील्ड यूनिट की टीम्स पहुंची, तो उन्हें इस चीज़ का डाउट हुआ कि ये आत्महत्या नहीं है, ये संभवतः हत्या के इसमें सिम्टम्स नज़र आ रहे थे। जो चीज़ें वहाँ पर साक्ष्य इकट्ठे किए गए, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी के साथ पैनल से कराया गया, इससे इस चीज़ की पुष्टि हुई कि महिला की गला दबा के हत्या की गई है। इसके अंदर अभी तक जो साक्ष्य इकट्ठे हुए हैं, उस हिसाब से महिला का जो पति है और महिला में विगत कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था, अभी तक जितनी साक्ष्य हैं उस हिसाब से महिला की गला दबा के हत्या इसके द्वारा की गई, और उसके बाद उसको सुसाइड का रूप देने के लिए वहाँ पर रख दिया गया। ऑफिसर्स कॉलोनी में अगर पड़ोस संस्कृति होती तो शायद महिला जज की जान बच सकती थी। साहबी रुआब में हर कोई खुद को कम नहीं समझता है और किसी से वास्ता नहीं रखना चाहता। इस तथ्य को जांचने के लिए हमारे संवाददाता ने प्रतिभा के सरकारी आवास के ठीक नीचे रहने वाले एक आईएफएस अधिकारी की कॉल बेल कई बार बजाई, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। उनके घर के ठीक सामने रहने वाले एक गजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी की घरेलू कर्मचारी ने दरवाजा तो खोला, लेकिन उसका कहना है कि सामने क्या हो रहा है इससे उसका कोई वास्ता नहीं है। अच्छा नीतू, बताओ सामने एक जगह वहाँ पे मर्डर हुआ है, पता है आपको? हाँ, मैं पता हूँ। सामने मर्डर हुआ, पुलिस भी सही कर ना जी, आपने देखी होगी ना? हाँ हमने देखी, हमें क्या पता, हम तो देर में आते हैं 9:30 बजे। अच्छा अच्छा, जो 9:30 बजे, अगर 9:30 पहले कुछ हो तो आपको पता ही चलेगा। अच्छा दिन में जैसे कुछ भी हो, शोर वोर हो तो आपको मालूम पड़ जाता है शोर हो रहा है कुछ, सामने पढ़ाई पड़ता है? नहीं, सामने घरों में सारा दिन अंदर ही रहते हैं, नहीं पता। अगर एक घर में शोर होता है तो दूसरे घर में पता चलता है? सन्नाटा रहता है जी। जब पुलिस आई तब आपको पता चला कि कुछ हो गया है जी? तो क्या पता चला आपको? पुलिस आ रही थी और हमें ये तो नहीं पता भैया क्या हो गया, उन्होंने क्या आवाज़ आ रही थी बस। प्रतिभा की सीढ़ियों के नीचे डिवीजन होमगार्ड कमांडेंट का बंगला है, 24 घंटे दो आरक्षियों का पहरा रहता है, लेकिन वो भी इस बात से साफ इनकार करते हैं कि उन्हें ऊपर की कोई आवाज सुनाई पड़ी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रतिभा गौतम जिस अपार्टमेंट में रहती थी उसके ठीक नीचे यहाँ पर एक गजिस्ट्रेट ऑफिसर घनश्याम यादव, जो वन विभाग के निदेशक हैं, उनका अपार्टमेंट है। हम देख रहे हैं, यहाँ पर घंटी बजाई है हमने, और ये घंटी मैंने कई बार बजाई है, कई बार प्रयास कर चुका हूँ, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है। तो ऊपर के फ्लैट्स नीचे के फ्लैट्स में कोई एक दूसरे को जानने की कोशिश नहीं करता, यहाँ गेट पर ताला नहीं है, ताला खुला है, लेकिन घंटी को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, यानी कि अगर कोई इमरजेंसी पड़े और कोई किसी को बुलाना चाहे तो एक दूसरे को रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर पुलिस को फॉरेंसिक सबूत हाथ ना लगते तो शायद इस मर्डर का खुलासा नहीं हो पाता। अगर पूरे मामले को देखा जाए तो पहले पहल किसी को भी शक नहीं होना चाहिए था कि महिला जज का कातिल उसका पति हो सकता है। इसकी वजह है उसका वकील होना। दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला कोई वकील इस तरह से मर्डर करेगा, इस पर पुलिस को भी शक नहीं होता अगर वो जल्दबाजी में अपनी बेगुनाही के सबूत पुलिस के सामने न परोसता। उसने बिना मांगे टोल प्लाजा की रसीदें और फोन कॉल्स का विवरण पुलिस को देना शुरू किया तो उस पर अपने आप शक की सुई घूम गई। उसने पुलिस को बताया कि घर के बंद दरवाजे की कुंडी तोड़कर वो अंदर घुसा था, लेकिन ऐसा कोई निशान पुलिस को वहां पर नहीं मिला। वकील होने के बावजूद उसने लाश को फंदे से क्यों उतारा? अगल बगल इतने पुलिस अधिकारियों के बंगले होने के बावजूद उसने उन्हें खबर क्यों नहीं की? और 3 किलोमीटर दूर थाने बताने क्यों पहुंचा? ये सब उसे संदेह के दायरे में तो पहले से ही ला रही थी, बाकी कसर देर रात आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी कर दी। रिपोर्ट में बेरहमी से हत्या किए जाने और जज के गर्भ में 3 माह का भ्रूण होने की पुष्टि हुई। पीएम में तो ये एस्टेब्लिश हो गया कि गला दबा के हत्या हुई है। इसके अंदर इसके अलावा कंट्यूजन लेसरेटेड वोंड भी हैं, कट के निशान हैं, गले पे कट के निशान हैं। यही चीज़ जब डेड बॉडी कल देखी गई तो यही सब साक्ष्य जब सबसे पहले लगे तो ये इस चीज़ के ऊपर इशारा हुआ कि ये आत्महत्या की तरफ नहीं हत्या की तरफ इशारा कर रहे हैं। तभी जो फील्ड यूनिट थी उन्होंने वहाँ पर साक्ष्य इकट्ठे करके और बाकी चीज़ें डेवलप अभी हुई। कहते हैं अपराधी कितना भी चला क्यों ना हो वो घटनास्थल पर कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है। ऐसी कुछ गलतियाँ की सुप्रीम कोर्ट के वकील होने के बावजूद अभिषेक मनु ने। उसने अपनी पत्नी के हाथ की नसें काटी, उसके हाथ खून से रंग गए, इसके बाद उसने उसको दुपट्टे से बांध कर लटकाने का प्रयास किया, वहाँ पर उसके हाथ में ब्लड उस पर आया, पंखे के ब्लेड्स हैं उस पर उसके ब्लडेड फिंगरप्रिंट्स आए, और भी कई ऐसी सबूत थे जो उसने घटनास्थल पर छोड़ दिए। बहरहाल ये साबित हो चुका है पुलिस के रिकॉर्ड के हिसाब से कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट
प्रतिभा गौतम का कातिल कोई और नहीं, उसका रंगीन मिजाज पति ही था।